हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विप्रो वेरिएबल पे की रिगार्डिंग। सो सी बैंड के एम्प्लॉइज जो है उनको वेरिएबल पे नहीं मिलेगा इस क्वार्टर में। तो हम इस इश्यू के रिगार्डिंग हम पूरा फुल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम पे आए तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज लाता रहता हूँ आप सबके लिए। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि यार इशू क्या था। सो यार विप्रो जो फोर्थ नंबर की आईटी कंपनी है बाय द रेवेन्यू, ओके, सो टीसीएस, एचसीएल एंड इंफोसिस विप्रो फोर्थ प्लेस पे आती है। सो इसका यार जो अभी मार्जिन जो था परफॉर्मेंस उसका अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में, सो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा लो था, उसकी वजह से विप्रो ने ये डिसीजन लिया है। जो सी बैंड वाले हैं मिड टू सीनियर लेवल जो मैनेजमेंट है विप्रो की, उनके वेरिएबल पे को होल्ड किया जाए जो कि अगस्त में मिलने वाला है। सो ऐसे हम लोगों को जुलाई में मिलना चाहिए था वेरिएबल पे, बट अभी पॉलिसी एक आई थी कि जब भी क्वार्टर होगा एक महीने बाद उसके मिलेगा। सो हमें जो जुलाई में मिलने वाला, सो इसी वजह से हमें वो वेरिएबल पे क्वार्टरली नहीं मिला, तो अभी हमें अगस्त मिलेगा। सो अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन बैंड वालों को मिलेगा वेरिएबल पे और कितना मिलेगा। सो यार जो ए और बी बैंड वाले हैं उनको 70% ही मिलेगा वेरिएबल पे, ठीक है, और जो सी बैंड वाले हैं वो सी मीडियम टू सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, उनको वेरिएबल पे अभी होल्ड पे रख दिया गया है, मतलब अगस्त में नहीं मिलेगा। आगे उनका डिसीजन क्या है, देंगे कि नहीं देंगे, वो अलग मैटर करता है, बट अभी फिलहाल के लिए ये न्यूज है कि बैंड ए और बी वालों को मिलेगा वेरिएबल पे, वो भी 70%, जितना भी होता होगा आपका वेरिएबल पे उसके हिसाब से 70% आप लगा लीजिएगा, आपको आपको उतना मिलेगा। अगस्त मंथ जो ये सैलरी स्लिप आएगा, सैलरी आएगी उसी के साथ वो ऐड होके आएगा। सो इसमें एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, एट्रिशन जो रेट अभी थोड़ा हाई था यू नो पेंडेमिक के बाद, अभी वो थोड़ा लो हो गया है। अभी मतलब कि कम लोग रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट में थोड़ा अनस्टेबिलिटी सी दिख रही है। सो उसके रिगार्डिंग आपको बता दें कि थोड़ा रिसेशन का प्रॉब्लम इशू आ रहा है, जो ऐसा लोग बात कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। सो रिसेशन का थोड़ा इशू दिख रहा है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजोन ये तीन कंपनी जो ले ऑफ कर चुकी है और करने वाले हैं, और गूगल भी अभी फिलहाल वो गूगल भी फायर कर सकती है, और फेसबुक भी अभी लाइनअप में है, उनका भी परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। सो काफ़ी स्ट्रिक्ट यू नो मैनेजर्स की तरफ से या सीईओ की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। सो ऑलरेडी ये सब चल रहा है मार्केट में। सो अभी आपको अपडेट रहना है मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, गलत टाइम पे स्विच मत करिएगा, और अपने जॉब्स को बचाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब देखते कितना हिट करेगा इंडिया मार्केट में, कितना करेगा कितना नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना डैमेज या कितना इशू हो सकता है इसकी वजह से। सो आई होप यार ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो में। आई होप आप सबको ये काफ़ी पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।